नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं लियो असेंडेंट के बारे में। अगर आपके भी कुंडली में सिंह लग्न है तो सिंह लग्न वाले अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आपका कोशिश करना चाहते हैं और आप कोई सी भी अच्छी नौकरी के लिए भी अगर कोशिश करना चाह रहे हैं और वहां पे आप बने रहे उच्च अधिकारी का योग बने, उच्च अधिकारी बने, तो इन सब के लिए कुंडली में किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ हमने एक सिंह लग्न की एक कुंडली लगाई है। ये लग्न भाव है, ये चौथा भाव, ये सातवां, दसवां, पांचवां, नौवां भाव, ये भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है। ये भाव में जो भी ग्रह अपने सौ राशि में उच्च राशि में होते हैं वो ग्रह को बल देते हैं और जब हम गवर्नमेंट जॉब या आपका बोलते हैं राजसत्ता में जाना चाहते हैं तो शासन करना चाहते हैं तो आपको इन भावों का में ग्रहों की स्थिति रहेगी, उच्च की, सौ राशि की, मित्र राशि की, तो वो आपको उसका घर ग्रह बलवान होता है और भाव भी बलवान होके आपको अच्छे रिजल्ट देता है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब में हमें जाना है, राजसत्ता में जाना है, आपको उच्च अधिकारी बनना है तो आपको कुंडली जो है अगर सिंह लगने की तो आप ये देखिए पहले कि मंगल जो शासन करता है वो कुंडली में अच्छा होना चाहिए। तो अगर मंगल यहाँ सौ राशि में होगा, अपने मित्र राशि में होगा तो वह अच्छे फल देगा। यहाँ सौ राशि में यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। इस तरह आपके कुंडली में अगर मंगल सौ राशि में है तो वह अच्छा फल देगा। इसके बाद में आप देखिए दशम भाव को देखिए। दशम भाव जो है वो कुंडली का आपका नौकरी का भाव है, वो आपका प्रतिष्ठा का भाव है। यहाँ से आप उच्च अधिकारी बनने के योग बनते हैं, वो दशम भाव से बनते हैं। उसके ग्रह अगर अच्छी पोजिशन में है, जैसे यहाँ पे शुक्र ग्रह है, अगर शुक्र अपने घर में यहाँ होना चाहिए, ये शुक्र केंद्र में होना चाहिए, पहले चौथे सातवें दसवें भाव में शुक्र अपने मित्र के घर में अगर यहाँ भी होता है तो बहुत अच्छी पोजिशन में है। शुक्र की पोजिशन केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए तथा इनमें जो दसवां भाव है उस पर सुप्रभाव होना चाहिए। तो बृहस्पति का सुप्रभाव है, चंद्रमा यहाँ उच्च का होके बैठा है तो ये चंद्रमा उच्च का होके दसम भाव को ठीक कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह दसम भाव को देखिए, दसम भाव के स्वामी को देखिए, उन पे कौन से भाव की दृष्टि है और कौन से भाव की, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, जैसे यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है वो देखिए। वो उसके पश्चात आप देखिए कि इसका जो गवर्नमेंट जॉब के जो कारक है सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी होना चाहिए। तो यहाँ हम सूर्य देख रहे हैं उच्च राशि का होके नवम भाव में बैठा हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। तो सूर्य की स्थिति यहाँ पे ठीक है। तो इस तरह से आप सूर्य देखिए कि वो उच्च का होके बैठे अपनी राशि में बैठे। अगर सूर्य यहाँ पे बैठता है आपकी कुंडली में, आप देखिए अगर सूर्य यहाँ बैठा है वो भी अच्छी स्थिति बनाता है, लग्नेश को मजबूत करता है। तो इस तरह से सूर्य अपने फ्रेंड के घर में यहाँ आठ नंबर के बृहस्पति की राशि में बैठेगा, वो भी अच्छी है। नौ नंबर की राशि जो पांचवा भाव है, अगर सूर्य यहाँ पे बैठता है तो ये भी अच्छी स्थिति बनाता है। तो आपकी कुंडली देखिए अगर सिंह लगने की है तो सूर्य की स्थिति जो बताई है हमने वो देखे तो सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही चंद्रमा की जैसे यहाँ उच्च का है तो वो अच्छा है, यहाँ फ्रेंडली साइन में अच्छा रहेगा। यहाँ भी यहाँ नीच का हो जाता है ठीक नहीं है, यहाँ चंद्रमा बैठेगा ये ठीक है। यहाँ पे भी अगर चंद्रमा बैठता है मंगल की उस राशि में तो ठीक है। तो चंद्रमा के सूर्य और चंद्रमा भी ये योग दिलाते हैं कि आपका गवर्नमेंट जॉब में वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन काम कराता है सूर्य चंद्र, इसकी स्थिति अच्छी होना चाहिए आपकी कुंडली में। इस तरह सूर्य और चंद्र को हमने देखा। इसके पश्चात बृहस्पति देखते हैं, बृहस्पति भी आप दशम भाव से अपना संबंध बना रहा है तो ये भी अच्छा है। तो इस तरह से इसके जो कारक हैं दशम भाव के जो मंगल है, सूर्य है, बुध है, गुरु,
तो उन सबकी स्थिति जितनी अच्छी होगी, जितने अच्छे योग बनेंगे, जितने ग्रह उच्च के होंगे, सौ राशि के होंगे आपकी कुंडली में और केंद्र में होंगे, पहले चौथे सातवें दसवें भाव में और पांचवें नवे भाव में होंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और आपको जब भी ये ग्रह रहेंगे तो आपका उच्च अधिकारी बनने के भी योग बनेंगे जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी। तो इस तरह हमने देखा कि दशम भाव देखा, दशम भाव के स्वामी को देखा, मंगल को देखा, सूर्य को देखा, केंद्र में उच्च के ग्रह सौग्रह देखे, त्रिकोण में सौग्रह उच्च के ग्रह देखा हमने। तो इस तरह से लग्नेश पे जो ग्रहों की दृष्टि पड़ती है वो भी अच्छी है। अगर यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है जैसे बृहस्पति की, यहाँ से सातवीं आठवीं नवीं बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही है, कोई शुभ ग्रह की अगर दृष्टि भी पड़ती है तो वो भी अच्छा फल देती है। मान लो यहाँ पे चंद्रमा होता तो उसके शुभ ग्रह होके वो अपने लग्न पर दृष्टि डालता वो अच्छा रहता है। ऐसे ही बृहस्पति अगर यहाँ रहता तो अपने सातवीं दृष्टि से उसको देखता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं जब भी नौकरी का भाव है दशम भाव छठा भाव है, छठम भाव का भी संबंध अगर यहाँ बनता है तो वो भी अच्छे फल देता है। ये प्रतियोगिताओं के लिए अच्छा है, प्रतियोगिता के लिए ये बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको जब भी गवर्नमेंट जॉब में जाना हो तो प्रतियोगिता में आपको कंपटीशन देना होता रहता है। ऐसे इससे छठा से छठा मतलब ये भी कंपटीशन लाभ भाव भी देखना चाहिए, वो भी ठीक है होना चाहिए। इस तरह आप अपने कुंडली का विश्लेषण करके जान सकते हैं कि अगर आपके यहाँ जो हमने बताया कि लग्न भाव लग्नेश, दशम भाव दशमेश, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और जो भी ये सब ग्रह अगर आपके कुंडली में सौ राशि के उच्च राशि के तथा मित्र राशि में सौ राशि में होंगे, तो जितना अधिक ऐसे होंगे उतना अच्छा आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए या अच्छी सर्विस के लिए, कोई भी अच्छी जगह सर्विस भी कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करते हैं। और आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मंगल स्ट्रांग हो जाता है तो वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर सकते हैं आपको। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करके जान सकते हैं कि आप अच्छी आपको अच्छा जॉब मिलेगा, आपके गवर्नमेंट में जॉब मिलेगा, आप प्राइवेट में भी हो गए तो उच्च अधिकारी पद तक जाएंगे अगर इस तरह के ग्रहों का योग आपकी कुंडली में बन रहा होगा। तो इस जिस तरह से हमने ये मेन कुंडली देखी ऐसे आप D9 और D10 कुंडली में भी इन्हीं ग्रहों को पहला लग्न भाव को दशम भाव को वहीं पे सूर्य है, फिर बुध है, गुरु है, मंगल है, इनकी पोजिशन नवम भाव नवांश में और दशमांश में D9 और D10 चार्ट में भी देखना चाहिए, जिससे कि इसका इसको और बल मिलेगा और आप जो चाह रहे हैं उसमें अच्छा आपको जॉब मिलने की उम्मीद बनती है, आपके उच्च अधिकारी बनने के योग भी बनते हैं। इस तरह आप देखिए सब केंद्र त्रिकोण के योग भी होना चाहिए। मान लो केंद्र का मालिक यहाँ आ जाए और यहाँ का मालिक त्रिकोण का मालिक यहाँ चला जाता है, ये भी एक अच्छा योग बनता है। दस वर्ष लग ये जो कुंडली है आपकी सिंह लगने की, तो सिंह लगने के लिए हमने जो भी अभी आपको सब योग बताए हैं वो आप जरूर अपने कुंडली में देखिए, जिससे कि आप भी अपने स्वयं विश्लेषण करके जान सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब या हाई प्रोफाइल जॉब या प्राइवेट में भी अच्छी उच्ची पोस्ट पर जाने के सब योग बन रहे हैं या नहीं, वो आप इस तरह से देख सकते हैं। यही आप देखें कि लग्नेश और दशम भाव का स्वामी छठे भाव आठवें बारह भाव नहीं हो, अपने दशम भाव का स्वामी अपने से छठा नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ नहीं होना चाहिए, अपने से 12th नहीं होना चाहिए, इस तरह से भी देख सकते हैं। तो दशम भाव का काम कमजोर हो जाता है अगर इस तरह का हो, अगर उन पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो दशम भाव पे और लग्न पे या उनके स्वामियों पे राहु केतु आदि का पाप प्रभाव होगा तो वो उसको कमजोर कर देंगे और सब जो भी हमें फल मिलना है उसमें डिले कर देंगे। तो इस तरह के योग भी आप देख सकते हैं जो बाधा आपको उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि हम सी लग्न के जो जातक हैं उनको हम जो
राज्य अधिकारी बनना चाहते हैं या राजसत्ता में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं या प्राइवेट में भी उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं, तो इस तरह के योग आपकी कुंडली में होंगे तो आप जरूर उसमें सफल होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल तिवारी, मेरा मोबाइल नंबर 9893234239। आपको अगर टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो मामूली दक्षिणा दे के आप परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो कृपया करके मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को बताइए और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए या लाइक कीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।